नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आम जनता हो या गरीब जनता, आजकल सभी रसोई में गैस सिलेंडर पर ही खाना पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर में गैस पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है और गरीब जनता को फ्री में भी गैस सिलेंडर दिए गए हैं, जिससे प्राकृतिक वातावरण को अनावश्यक धुएं आदि से बचाया जा सके। दरअसल मामला अलीगढ़ शहर के थाना सासनी गेट के अंतर्गत खिरनी सराय का है, जहां लगातार आम जनता की शिकायत है कि गैस एजेंसियां कम वजन के गैस सिलेंडर होकर के माध्यम से होम डिलीवरी कर रहे हैं। जब ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त मैनेजर बीएल शर्मा के यहां होकर सिलेंडर लेकर पहुंचे तो शक होने पर उन्होंने सिलेंडर की तौल करा दी, जिसमें लगभग 5 किलो गैस कम पाई गई। जब होम डिलीवरी के बाद ग्राहक ने कम वजन होने की शिकायत संबंधित एजेंसी से करता है तो सिलेंडर को बदलवा दिया जाता है, लेकिन उसी सिलेंडर को दूसरे ग्राहक को दे दिया जाता है। शक होने पर जब ग्राहक उस सिलेंडर को तौल करता है तो मानक के अनुसार उस सिलेंडर में कम गैस पाई जाती है। लगातार इस तरह की शिकायतें अलीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही हैं। गैस एजेंसियों के मालिक इस तरह की शिकायतों को एक दूसरे के ऊपर टालते नजर आते हैं। उनका कहना है कि होकर के द्वारा ही इस तरह का कार्य किया जाता है, इसमें गैस एजेंसियां कहीं जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लगातार आती रिफिलिंग की शिकायतों को गंभीरता से गैस एजेंसियां क्यों नहीं लेती हैं? ये बात इशारा करती है कि कहीं न कहीं सभी गैस सिलेंडर का कार्य करने वाले इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं। जब इस बात को मुख्य जिला आपूर्ति अधिकारी राजेश सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी गैस एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। गैस रिफिलिंग की जो समस्या आ रही है शहर के अंदर, काफ़ी जगह शिकायतें भी हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? गैस रिफिलिंग पर हम निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे तमाम अभिसूचनाओं के तंत्र हैं, जिनके माध्यम से जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी हम तत्काल जांच कराते हैं। निरंतर हम FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी हमें इलीगल गैस रिफिलिंग के केसेस प्राप्त होते हैं उनमें हमने FIR दर्ज कराई है। निकट भविष्य में भी हम यह अभियान निरंतर चलाए रखेंगे और लगातार जाँच कराते रहेंगे। जहाँ भी हमको ये इस प्रकार की निमित्ता मिलेगी, गैस रिफिलिंग के केस प्राप्त होंगे, वहाँ पर हम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई निश्चित कराएंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार। किस गैस एजेंसी के सिलेंडर आप लेकर आते हैं? तो ये क्या कमी निकली है जिसकी वजह से? अंडरबेड सिलेंडर वो साहब जी पाप के जहाँ से लेके आए वो धोखे थे सिलेंडर होकर। तो अंडरबेड सिलेंडर आप कंपनी से लेके नहीं चलते? ना जी, यहाँ से बदले हैं सिलेंडर बाबू जी। तो मतलब किस तरह से आप हमें समझाइए? मतलब जैसे कि इनके यहाँ से उठा के लाए, हाँ। तो वो जो ड्राइवर है वहाँ जानकारी नहीं, तो वो उठा के इनके यहाँ ले आए। तो आप बिना चेक किए? क्या नाम है आपका? बनवारी लाल शर्मा। क्या मामला हुआ है यहाँ? गैस हमने ये होकर से गैस ली, शक था जल्दी खत्म हो रहा है, इस बार तुलवाई तो नेट 5 किलो ग्रॉस वेट कम था, तो उसे लेके ये होकर भाग गया। तो ऐसा पहले भी आपके साथ हुआ है जो वजन में कम सिलेंडर? पहली बार शक था इसीलिए कि चली नहीं रहा सिलेंडर। क्या नाम हुई आपका? क्या मामला हुआ है आपके द्वारा? ये लोग जो कह रहे सिलेंडर को लेकर देखा हुआ, मेरे को सिलेंडर ले गया पूरा 30 किलो। और जो कंज्यूमर जिसके ने आपने सिलेंडर दिया है वो कह रहे हैं कि वो वजन में 10 किलो करीब कम है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं लेके नहीं आया कम का, मैं लेके आया पूरे पेट का, आप तोल सकते हो सिलेंडर रखा हुआ है। और जो कंज्यूमर बता रहे हैं कि 10 किलो कम है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब मैं नहीं लेके आया,